हर साल मिलियंस कैंडिडेट्स गवर्नमेंट सेक्टर में मिलने वाली सुविधाओं से आकर्षित होकर सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। जॉब सिक्योरिटी और वर्क लाइफ बैलेंस दो ऐसे पहलू हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर की ओर सबका ध्यान केंद्रित करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में मिलने वाली आकर्षक सैलरी हर किसी को इस ओर आकर्षित करती ही है। गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के पीछे एक बड़ी वजह हाईएस्ट पेइंग जॉब होती है। आज इस वीडियो में हम हाईएस्ट पेइंग टॉप जॉब्स के बारे में बात करेंगे। आइए जानते हैं उन महत्वपूर्ण गवर्नमेंट जॉब सेक्टर के बारे में जहां आप प्राप्त कर सकते हैं हाईएस्ट सैलरी। इंडियन फॉरेन सर्विसेज। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन फॉरेन सर्विसेज के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि एक आईएफएस अधिकारी देश के बाहरी मामलों से निपटने के लिए जिम्मेदार होता है, जिसमें कूटनीति, व्यापार के साथ साथ सांस्कृतिक संबंध भी शामिल होते हैं। आईएफएस अधिकारी के रूप में मिलने वाले लाभों के कारण हर कोई आईएफएस अधिकारी की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहता है। इस नौकरी में मुफ्त आवास, परिवहन, सेवानिवृत्ति लाभ, पेंशन और इसके अलावा कई आकर्षक सुविधाएं मिलती हैं। यह एक उच्च सुरक्षित नौकरी है जो विदेश में रहने और अध्ययन करने का अवसर भी प्रदान करती है। साथ ही सातवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी गई है और इस कारण से आईएफएस अधिकारियों के वेतन में भारी बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा भारत सरकार उन उम्मीदवारों के लिए विशेष विदेशी भत्ते भी प्रदान करती है जो देश से बाहर तैनात है। आईएएस एंड आईपीएस। आईएएस एंड आईपीएस के लिए ज्यादातर सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स लाइफ में एक बार अप्लाई जरूर करते हैं। इसका रीजन पावरफुल नौकरी के साथ ही जॉब सिक्योरिटी और मिलने वाली हाईएस्ट सैलरी भी है। आईएएस या आईपीएस को शुरुआती राशि 50,000 रूपए प्रति माह दी जाती है, साथ ही डियरनेस अलाउंस भी दिया जाता है। इसके अलावा गाड़ी, बिजली, घर आदि भी दिया जाता है। इसके साथ ही हाई क्वालिफिकेशन के लिए सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप भी दी जाती है। डिफेंस सर्विसेज। डिफेंस में भी ऑफिसर्स को जॉब सिक्योरिटी के साथ कई सेवा भत्ते दिए जाते हैं। एनडीए, सीडीएस एग्जाम पास करने के बाद कैंडिडेट्स डिफेंस सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर सैलरी की बात की जाए तो लेफ्टिनेंट को शुरुआती सैलरी 50,000 से 60,000 डीएनएस अलाउंस के साथ दी जाती है। हालांकि लोकेशन वाइज और सर्विस के अनुसार सैलरी में भिन्नता हो सकती है। इस सेवा में यूनिफॉर्म अलाउंस, हाई ऑल्टीट्यूड अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, राशन आदि दिया जाता है। साइंटिस्ट या इंजीनियर्स। वे कैंडिडेट जो ग्रेजुएट है और रिसर्च और डेवलपमेंट में रुचि रखते हैं, वे डीआरडीओ, बार्क या आईएसआरओ यानी इसरो जैसी संस्थाओं में आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि सैलरी के मामले में इन ऑर्गेनाइजेशंस में साइंटिस्ट और इंजीनियर की पोस्ट पर 55,000 से 66,000 सैलरी दी जाती है। इसके साथ ही ट्रैवल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और अन्य अलाउंस दिए जाते हैं। बैंकिंग या आरबीआई ग्रेड बी। हाईएस्ट सैलरी की बात की जाए तो बैंकिंग सेक्टर का कोई जवाब नहीं है। जी हाँ, बैंक और उसमें भी आरबीआई से बेहतर कोई नियोक्ता नहीं है। बता दें आरबीआई ग्रेड बी बैंकिंग करियर की सबसे अच्छी पोस्ट है। इसके जरिए डिप्टी गवर्नर की पोस्ट तक प्रमोट किया जा सकता है। अगर एनुअली सैलरी की बात करें तो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर को 12 से 14 लाख दिया जाता है। बेसिक सैलरी 35,150 रूपए दी जाती है, जिसमें हर 9 महीने के इंक्रीमेंट के बाद सैलरी 1,750 रूपए बढ़ाई जाती है। दोस्तों, इन पोस्ट के अलावा पीएसयू, मिनिस्ट्रीज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, स्टेट सर्विस कमीशन, कॉलेजों में फैकल्टी पोस्ट आदि पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप इन वैकेंसियों की लेटेस्ट जानकारी सरकारी नौकरी ऐप या JagranJosh.com से ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और अन्य ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए विजिट करें JagranJosh.com। Till the next time, it's a goodbye.